की खबर नाव में और मैं हूँ आपके साथ नेहा ठाकुर। बारामूला के करालहार में आतंकवादी और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए और 1 सुरक्षा बल का जवान घायल हो गया। सुरक्षा बलों द्वारा बारामूला के करालहार में एक नाका लगाकर वाहनों की तलाशी ली गई, तभी वहां पर आई एक स्कॉर्पियो गाड़ी की तलाशी के लिए रोका गया, तभी गाड़ी में मौजूद आतंकवादियों ने खुद को गिरता हुआ देखकर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद सीआरपीएफ और पुलिस के जवानों ने जवाबी कार्रवाई की जिसमें 2 आतंकवादी मारे गए और 1 सुरक्षा बल का जवान घायल हो गया। सुरक्षा बलों द्वारा गाड़ी के चालक को हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। वहीं इसके बाद सुरक्षा बलों द्वारा गाड़ी से भारी मात्रा में हथियार बरामद कर लिए हैं। श्रीनगर से रवि शर्मा की रिपोर्ट। बारामूला में अटैक नहीं है जी, समझ लीजिए कि हमारा जो नाका कंसपुरा के बगल में, बारामूला से जो छोटा शहर बगल में है, वहाँ पर एक नाका लगा हुआ था। नाके पे चेकिंग के दौरान कुछ लोगों की जो हरकत सस्पिशियस नज़र आई, जब जिन्होंने कार्ड पूछा तो एक जो उनमें से लोग थे उसने पिस्टल निकाल करके शूटिंग करने की कोशिश करी पुलिस और सीआरपी वाले को, वो इमीडिएटली रिएक्शन में वहीं पर मारा गया। दूसरा फायर करता करता भागा और उसको भी चेज किया और वो भी इनकाउंटर में मारा गया है। दोनों की आइडेंटिटी अभी एस्टेब्लिश कर रहे हैं। सर, एनी इंजरी फ्रॉम द जेकेपी साइड? अभी हम पता कर रहे हैं, जस्ट दिस न्यूज हैज कम इन, तो मेरे ख्याल में सभी लोग ठीक होने चाहिए, अभी इस तरह की कोई खबर नहीं, बट वी आर गेटिंग दोस डिटेल्स। जिला पुलवामा के त्रिताल लस्सीपुरा में एक IED ब्लास्ट हुआ, वही इस ब्लास्ट की जद में आकर 7 सुरक्षा बल के जवान घायल हो गए। आपको बता दें कि सुरक्षा बलों को लेकर जा रही एक गाड़ी जैसे ही इस स्थान से गुजरी तो आतंकवादियों द्वारा वहां पर IED ब्लास्ट कर दिया गया, जिसके कारण 7 जवान जख्मी हो गए। ब्लास्ट के बाद अतिरिक्त सेना के जवान वहां पर पहुंच गए और तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया। वहीं कई जवानों को अस्पताल में भेजा और उनका इलाज किया जा रहा है। वहीं इस ब्लास्ट की जिम्मेदारी जैसे मोहम्मद आतंकवादी संगठन ने ली है। पुलवामा, श्रीनगर से रवि शर्मा की रिपोर्ट।